भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूं। दरअसल कल के संबोधन के बाद, प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद, अब बात दरअसल ये है कि चर्चा क्या की जाए। चर्चा अब ये है कि वैक्सीन कहां से आएंगी। प्रधानमंत्री ने घोषणा तो कर दी, ये नहीं बताया कि 200 करोड़ से जो ऊपर का जो उनका एक आकलन था सरकार का, वो कहां से होगा, कैसे होगा, इन तमाम तरह के सवाल। लेकिन इससे पहले सवाल ये था कि कोई वैक्सीन का मैनेजमेंट नहीं है सरकार के पास, तो कल वो भी सवाल का जवाब आया। लेकिन अब है कि टीकाकरण कैसे होगा और उसके बारे में तमाम सारे सवाल हैं। राजनीति दरअसल बहुत तेज है। बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि नदी की जो धार होती है वो बहुत महीन होती है, वो कहीं से भी रास्ता खोज लेती है। लेकिन राजनीति को उससे भी महीन मानिए, वो कहीं भी ना कहीं ना सुराग देखती है और राजनीति शुरू हो जाती है। बहरहाल आज के जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका तारुफ भी कराता हूँ और आपसे परिचय देता हूँ, जो हमारे साथ आज बातचीत के सिलसिले में शरीक रहेंगे। राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं। अभय दुबे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी। अरविंद वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से आज हमारे साथ जुड़ेंगे, थैंक यू सो मच अरविंद जी। मनोजीत मंडल दा जो है टीएमसी से हमारे साथ जुड़ेंगे, थैंक यू सो मच। श्रीवास्तव फाउंडर रिचर्ड हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ देर बाद, और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेफ्ट पार्टी का पक्ष रखेंगे, थैंक यू सो मच। सबसे पहले अभय जी मैं आपके ही पास आता हूं। कल जब हुआ बातचीत का सिलसिला हुआ और शुरू हुई तो एक ट्वीट आया कि ये बताया जाए कि इतनी सारी वैक्सीन आएंगी कहां से, और वैक्सीन का जो मैनेजमेंट है वो नहीं बताया जा रहा है। सरकार ने कहा कि जो तरफ से उनकी तरफ से आया कि 74 करोड़ का तो उन्होंने दे दिया, लगभग 23 करोड़ से ज्यादा का तो आंकड़ा है जो लग गया है, और 74 करोड़ का उन्होंने बताया, एक आंकड़ा दिया है कि जिसके हिसाब से उनका एडवांस जा चुका है। कोविशील्ड के लिए 25 करोड़ डोज का, 19 करोड़ का कोवैक्सीन का, और 30% पेमेंट दिया गया है जो कि एडवांस दिया गया है ई बायोलॉजिकल वैक्सीन, जो कि सितंबर तक 30 करोड़ आएगा। इस तरह से 74 करोड़ वैक्सीन का एक एस्टिमेट है, 24 करोड़ के करीब लग चुका है, 23 करोड़ का मान के चले उसे, तो 24 करोड़, 23 करोड़ के आसपास। तो ये सवाल ये है कि एक मोटे तौर पर यह आंकड़ा सामने है, संतुष्ट क्यों नहीं है विपक्ष, ये नहीं समझ में आ रहा जी। अभय दुबे जी देश के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि कल आजाद भारत के इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार झूठ बोलने के अभ्यस्त हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश का इतना बड़ा अपमान किया, उन्होंने कहा कि पहले जो वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में होता था वो दशकों बाद तक वैक्सीन हिंदुस्तान आते थे। प्रधानमंत्री जी ने पोलियो का जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी ने स्मॉल पॉक्स का जिक्र किया। अरे प्रधानमंत्री जी 1802 में पहला टीका स्मॉल पॉक्स का हिंदुस्तान में लग गया, जानते हैं आप, और 1950 तक हम लोग उस टीके को यहाँ बनाने लगे थे। आपको जानकारी नहीं है पोलियो में तो हम उसके रिसर्च से लेकर उसके डेवलपमेंट पे पायनियर देश रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हमारा 4 दशक पुराना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, 39 करोड़ लोगों को आपकी सरकार के आने के पहले मुफ्त में वैक्सीन हर साल दी जाती है प्रधानमंत्री जी। विश्व का 60% वैक्सीन हिंदुस्तान में बनती है, सबसे बड़ी जो कंपनी है बनाने वाली विश्व में वो भी हिंदुस्तान की है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देश को झूठ बोलना प्रधानमंत्री बंद कीजिए। आपने जिक्र किया जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, उसमें भी आपने इंद्रधनुष के नाम पर कह दिया कि हमने 90% कवरेज कर दिया है। आपकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट ही देख लीजिए, कुपोषण अधिक बढ़ गया 19-20 में पहले की तुलना में, और जो कवरेज है वो इंद्रधनुष के नाम पर सिर्फ 4% बढ़ा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, सिर्फ 3 वैक्सीन्स को आपने अप्रूवल दिया है सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप ने, वो है कोविशील्ड, वो है कोवैक्सीन, और तीसरी है स्पुतनिक। स्पुतनिक को तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है फरवरी में इन्होंने रिफ्यूज किया, फिर अप्रैल में रिफ्यूज किया। अब मुझे बताइए आपके पास बायोलॉजिकल ई सब वैक्सीन, उसको आज जब हम प्रतीक जी से बात कर रहे हैं कोई अप्रूवल नहीं है। नोवैक्स हम प्रतीक जी से बात कर रहे हैं तब तक कोई अप्रूवल नहीं है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है अभी तक उसका अप्रूवल नहीं है। जिनोवा की mRNA वैक्सीन कोई अप्रूवल नहीं है। जाइडस कैडिला वैक्सीन कोई अप्रूवल, अब अप्रूवल तक नहीं दिया तब आप सिर्फ टाइम बाय करते हैं कि हम 200 करोड़ लोगों, 200 करोड़ वैक्सीन के डोज, 108 पॉपुलेशन जो 108 करोड़ दे देंगे।
प्रतीक जी, सही अभय जी, हमें उम्मीद है, मैंने आपको टोका नहीं, इसलिए बीच में नहीं टोका, बिल्कुल नहीं टोका, क्योंकि मुझे मालूम था कि ओपनिंग रिमार्क है आपका, आप बोलिए, लेकिन झूठ कैसे बोला जाए और कितना बोला जाए इसका जरूर ध्यान रखिएगा। मुझे बताइए कि जो ई वैक्सीन का कंपनी है उसको एडवांस पैसा नहीं गया है ई बायोलॉजिकल वैक्सीन का, और उनकी जो वैक्सीन है उसके सितंबर तक आने का नहीं है। प्रतीक जी आप जानते हैं क्या हुआ है हिंदुस्तान में, जब तक केंद्र सरकार के अधीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप किसी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं देता, वो तब तक आप कह नहीं सकते कि वो वैक्सीन हमको प्रोवाइड कराएगा या हमने ऑर्डर दे दिया है। स्पुतनिक ने आपको जानकर फाइजर का, उसने सुनिए ना, आखिरी फाइजर का, मॉडर्ना का, स्पुतनिक ने नहीं, अबे जी मैंने, हमने आपको कुछ नहीं टोका, बीच में मैं दरअसल क्या, देखिए मैंने सवाल गलत पूछा, सवाल मैंने, मुझे पूछना एक्चुअली में ये चाहिए था डिबेट में आज, जो मैं चाहता था, मैं जैसा पहले अभय दुबे को बोलने देता हूं, सवाल दरअसल ये पूछा जाना था कि आपने लोगों के बीच में से भ्रम दूर करने के लिए, वैक्सीन के बीच को लेकर जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये सवाल होना चाहिए था एक्चुअली में। देखिए प्रतीक जी, इसका ही जवाब देता हूं, आप निरंतर राहुल गांधी जी डे वन से कह रहे हैं सबको मुफ्त वैक्सीन दीजिए, और राहुल गांधी जी ने जो सबसे बड़ा माइलस्टोन रखा है, विश्व भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जब वो कहा कि बीजेपी का टीका है, नहीं अबे जी, जब कहा गया बीजेपी का टीका तो आपने कुछ कहा था उस समय, जब कहा बीजेपी का टीका तो आपने बोला था। आप देखिए मूर्धन्य पत्रकार है, 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ बड़ा खुलासा कर रहा हूं मैं, अच्छा आपके शो में मैसेज जाएगा उससे। आज विश्व भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो इस वायरस है इसके जो स्पाइक प्रोटीन्स के प्रोटोमर्स है वो वुहान में बंद थे, अब उसके प्रोटोमर्स खुल गए हैं, इसमें इतना म्यूटेशन हो गया है कि ये घातक है, जो भी देश जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कर लेगा वो इसके म्यूटेशन को रोक लेगा, नहीं तो इसका बूस्टर डोज भी कितना कामयाब होता है ये कह नहीं सकते। तब राहुल गांधी जी ने कहा है कि वैक्सीनेशन कराइए। दूसरी बड़ी बात, स्पुतनिक को इन्होंने उसी ग्राउंड पर मना कर दिया जिसको कोवैक्सीन और कोविशील्ड को अनुमति दी, आज कहते हैं कि वो सारी शर्तें वेव ऑफ करते हैं। फाइजर ने तो अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करनी पड़ी। आप निर्णय देखिए दूरदर्शी, पूरे विश्व के लोग एक साथ। मैं यही कह रहा हूं कि मॉडर्ना का